हेलो फ्रेंड, हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। टू कपल्स कॉइल ऑफ L1 इज इक्वल टू 0.8 हेनरी एंड L2 इज इक्वल टू 0.2 हेनरी हैव ए कपलिंग कोफिशियंट ऑफ K इज इक्वल टू 0.9, द म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज। तो देखिए, आपको दो कपलिंग कॉइल दिया हुआ, दो कॉइल दी हुई है, ठीक है, दो कॉइल है। अब इन दोनों कॉइल का जो इंडक्टेंस है, एक का दिया है 0.8 एंड एक का है 0.2 हेनरी, ठीक, दोनों का दिया हुआ। और इनका जो कपलिंग कॉफिशियंट है, यानी इनको जोड़ने के लिए जो कॉफिशियंट है, उसमें के का मान दिया हुआ है 0.9, ठीक है। तो यह एक कपलिंग कॉफिशियंट जो है, यह यूज है प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। अगर आइडियल केस की बात होगी तो के बराबर हम रखेंगे 1। तो क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे, कपलिंग कॉफिशियंट अगर आपका आइडियल केस में बात करेंगे तो 1 है, तब हमेशा वो क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन में देगा नहीं कि के का मान 1 है, वो आइडियल बोल देगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पहले चीज़, L1 दैट्स मीन इंडक्टेंस है, दो इंडक्टेंस को हमने अटैच किया है और उनके बीच का जो कपलिंग कॉफिशियंट है वह के है, और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M बराबर होता है K अंडर रूट L1 L2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बस फार्मूले में आप मान को पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। K का मान 0.9 अंडर रूट L1 का मान 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.9 अंडर रूट, गुणा करेंगे तो 1.6 आएगा, और 1.6 को जब बाहर करेंगे तो 0.9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.36। तो जो आंसर आपका निकल के आएगा, वो आंसर आएगा हमारा 0.36 हेनरी। देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या फिर सेल्फ इंडक्टेंस हो, सबकी यूनिट जो होती है वह क्या होती है, हेनरी होती है। सबकी यूनिट क्या होगी, हेनरी होगी। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द स्लिप स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर। जो स्लिप स्पीड होती है वो इंडक्शन मोटर की क्या होती है। तो बेसिकली स्लिप स्पीड जो होती है हमारी, वह जान जाओ कि NS-N होती है, NS-N स्लिप स्पीड पूछा। अगर स्लिप आपसे बोलता तो स्लिप जो होगी वह डिवाइड बाई NS कर देंगे, तो ये हमारी क्या होगी, सिर्फ स्लिप होगी। लेकिन स्लिप स्पीड आपसे पूछे तो यह फॉर्मूला होगा NS-N, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की स्पीड जो होती है वह स्लिप स्पीड होती है। तो स्लिप स्पीड क्या है, इज जीरो अंटिल द रोटर मूव एंड देन राइजेस स्लाइटली, यानी जीरो से रोटर मूव करेगा एंड धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, क्या यह ऑप्शन है। या इज 100% अंटिल द रोटर मूव्स एंड देन डिक्रीज स्लाइटली, या पहले 100% होगा उसके बाद जो होगी स्लिप स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे घटेगी, ये चीज़। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इज 100% अंटिल द रोटर मूव्स एंड देन फॉल्स द लो वैल्यू, क्या यह वाला ऑप्शन होगा, यानी पहले 100% पे होगा आपका स्लिप स्पीड, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, डाउन होगा। या फिर इज जीरो अंटिल द रोटर मूव्स एंड देन राइज टू 100%, पहले जीरो होगा फिर उसके बाद आपका 100% पे स्पीड पहुँच जाएगी जो स्लिप स्पीड होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पर देखिए। अब देखिए, जो स्लिप स्पीड है, स्लिप स्पीड बराबर होता है NS-N। तो शुरुआत में जो स्लिप स्पीड होती है, यानी जैसे ही मोटर आपका स्टैंड स्टील कंडीशन में, दैट्स मीन रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे जो आपकी स्पीड होगी वह तो सिंक्रोनस स्पीड होगी। तो उस टाइम पे जो रोटर की स्पीड होगी वह तो होगी जीरो के बराबर, तो आपकी जो स्लिप होगी स्टार्टिंग में वह 100% होगी। 100% का मतलब कि फुल स्पीड, जितना आपकी स्पीड मिल रही थी उतनी स्पीड होगी, तो 100% शुरू होगी। फिर उसके बाद रोटर की स्पीड धीरे धीरे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो आपकी जो स्लिप स्पीड होगी वह क्या होगी, डाउन होगी, क्योंकि स्लिप स्पीड में जब यन क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो स्लिप स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, डाउन होगी। तो उस हिसाब से पहले 100%, फिर उसके बाद धीरे धीरे एकदम लो वैल्यू पे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, जीरो नहीं होगा लेकिन एकदम लो वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, वह आंसर होगा
इज 100% अंटिल द रोटर मूव्स, जब तक रोटर आपका मूव कर रहा है उस टाइम पे 100%, उसके बाद धीरे धीरे फॉल्स इन लो वैल्यू, और धीरे धीरे वह किस पे आ जाएगी, एकदम लो वैल्यू पे आ जाएगी। ऑप्शन थोड़ा सा ये है, ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है, डिक्रीज स्लाइटली, क्या धीरे धीरे कम होगी, लेकिन नहीं, वह कम तो होगी लेकिन एकदम लो वैल्यू पे आ जाएगी, एकदम लो वैल्यू। तो जो सुटेबल आंसर आपका होगा वह होगा सी वाला, क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, ए सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, लैगिंग दे दिया है लोड एट रेटेड करेंट द आर्मेचर रिएक्शन इज, तो आपका जो सिंक्रोनस जनरेटर है, दैट्स मीन अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं हम, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में लोड के ऊपर डिपेंड करता है आर्मेचर रिएक्शन, कि आपका लोड कैसा है, क्या लैगिंग नेचर का है, क्या लीडिंग नेचर का है, क्या फिर यूनिटी नेचर का है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि लोड आपका क्या कैपेसिटिव नेचर का है, क्या इंडक्टिव नेचर का है, या फिर आपका रजिस्टिव नेचर का है। तो आपको इतनी चीज़ें बेसिक में पता होगी कि अगर लैगिंग बोला है, लैगिंग बोल दिया है, तो लैगिंग आपका जो होगा वह होता है आपका इंडक्टर के केस में, इंडक्टर के केस में। अगर लीडिंग बोलता, अगर लीडिंग होता क्वेश्चन में, तो लीडिंग जो होता है वो आपका कैपेसिटर के केस में होता है, कैपेसिटिव नेचर में। अगर यूनिटी बोलेगा, यूनिटी जो होगा वह रजिस्टिव के नेचर में होता है, रजिस्टेंस के नेचर में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो लोड आपको बोल दिया कि जो पावर फैक्टर वह जीरो पावर फैक्टर है, बट लैगिंग है, तो लैगिंग में तीन कंडीशन आपकी बनती है, एक होती है डीमैग्नेटाइजिंग, सॉरी कंडीशन, तीन मतलब कि तीन आर्मेचर रिएक्शन होते हैं आपके, तो उसमें तीन बनता है, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। थर्ड, फोर्थ आपका इनअफेक्टिव, ये तो मतलब वैसे ही गलत है, ये तो होगा ही नहीं, इन्हीं तीनों में से एक होगा। तो देखिए आपका कौन कौन सा होता है, तो डीमैग्नेटाइजिंग आपका तब होता है जब आपका लोड कैसा हो, लैगिंग नेचर का हो, लोड आपका कैसा हो, लैगिंग नेचर का हो। मैग्नेटाइजिंग आपका कब होगा, जब लोड आपका कैसा हो, कैपेसिटिव नेचर का हो, कैपेसिटिव नेचर का हो, या फिर आप कह सकते हो कि लीडिंग पावर फैक्टर का हो, लीडिंग पावर फैक्टर का हो। उसके बाद क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आपका कब होगा, जब आपका लोड क्या हो, रजिस्टिव नेचर का हो, रजिस्टिव नेचर का, या फिर आप कह सकते हो यूनिटी पावर फैक्टर हो, यूनिटी पावर फैक्टर हो, ठीक है। तो एक चीज़ आपको इतना पता होना चाहिए कि जीरो पावर फैक्टर बोल दिया, जीरो पावर फैक्टर बोलने के बाद अगर यहाँ पे लैगिंग नहीं देता, लैगिंग नहीं देता, तो हम इसका आंसर जो देते हैं वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग देते हैं, बट आपको दे दिया है लैगिंग, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा डी मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। तो ये भी आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन, यानी HVDC ट्रांसमिशन लाइन का मतलब है कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट ट्रांसमिशन लाइन में क्या चीज़ होती है, मतलब क्या चीज़ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ऑप्शन में दिया है चार्जिंग करेंट बट नो स्किन इफेक्ट, क्या HVDC लाइन में चार्जिंग करंट होती है लेकिन स्किन इफेक्ट नहीं होता, या फिर सेकेंड ऑप्शन है नो चार्जिंग करंट बट स्किन इफेक्ट, चार्जिंग करंट नहीं होती लेकिन स्किन इफेक्ट होता है, या फिर थर्ड ऑप्शन है नो चार्जिंग करंट नो स्किन इफेक्ट, यानी नो चार्जिंग करंट भी नहीं होती और स्किन इफेक्ट भी नहीं होता, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका बोथ चार्जिंग करंट एंड स्किन इफेक्ट, यानी कि चार्जिंग करंट भी होती है और स्किन इफेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लाइन है वह हमारी HVDC लाइन है, HVDC यानी डायरेक्ट करंट लाइन है, डायरेक्ट करंट में आपका, तो HVDC में क्या है बेसिकली कि आपकी डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट में पहली चीज़ आपकी कैपेसिटर वाला नेचर तो होगा नहीं, डायरेक्ट करंट यानी जहाँ पे DC होता वहाँ पे कैपेसिटर आपका यूज नहीं होता ट्रांसमिशन लाइन में, यानी कैपेसिटर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर कैपेसिटर का कोई इफेक्ट नहीं है, कैपेसिटर का कोई इफेक्ट नहीं है, तो जो चार्जिंग करंट होगी वह नहीं होगी, जो चार्जिंग करंट होगी वह नहीं होगी। स्किन इफेक्ट क्या है, स्किन इफेक्ट का मतलब है कि AC में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वह पूरे क्रॉस सेक्शनल से ना होकर सिर्फ बाहरी पोर्शन से होता है, उसके स्किन से होता है, उसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट, यानी कि स्किन इफेक्ट जो होता है वह AC में होता है, DC में नहीं होता है। स्किन इफेक्ट AC में होता है, DC में नहीं होता, क्यों, क्योंकि AC के नेचर में जो कंडक्टर होते हैं हमारे बंडल्ड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कंडक्टर जो होते हैं वह क्या होते हैं, बंडल होते हैं, बंडल में क्या हो, बंडल में है, तो बंडल में होने के कारण
उनका जो इंडक्टेंस होगा यानी बीच में कंडक्टर का, एक दूसरे से लिंक करते हैं, लिंक करने के कारण बीच के कंडक्टरों में यानी बीच के पोर्शन में जो इम्पीडेंस होता है वह क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। यानी जो इंडक्टेंस का मतलब रिएक्टेंस होता है वह क्या होता है, हाई होता है। हाई होने के कारण जो करंट का फ्लो होता है वह बीच में ना होकर उसके बाहरी पोर्शंस होता है, कंडक्टर के बाहरी पोर्शंस होता है, इस पोर्शन से कंडक्टर के होता है यानी बाहरी पोर्शन से। तो इसका मतलब इस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट, और स्किन इफेक्ट जो होता है वह केवल एसी में होता है। तो यहाँ पे एचवीडीसी है यानी यहाँ पे ना तो स्किन इफेक्ट हो रहा है ना तो चार्जिंग करंट आ रही है, तो जो ऑप्शन आपका सही होगा वह होगा नो चार्जिंग करंट, नो स्किन इफेक्ट। क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर होगा यह वाला आंसर भी। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द पावर फैक्टर ऑफ 230 वोल्ट 0.5 एम्पीयर 40 वाट फ्लोरोसेंट लैंप का। ठीक है, तो एक लैंप है आपके पास, उसमें जो वी का मान दिया हुआ वह दिया है 230 वोल्ट, उसके बाद जो करंट दी हुई है वह दी हुई आपको 0.5, और जो पावर दी हुई है वह क्या दी हुई है, वह दी हुई है 40 वाट। तो आई थिंक आप इसको निकाल लोगे क्योंकि सबको पता है पी बराबर वी आई कॉस फाई, और कॉस फाई का मान हमसे पूछ रहा है। एक जो ये पी बराबर वी आई कॉस फाई होता है, ये एक्टिव पावर होती है। एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई साइन कॉस फाई। अगर रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला आपसे पूछे तो वो होता है पी बराबर वी आई साइन फाई। अगर कॉम्प्लेक्स पावर पूछे तो कॉम्प्लेक्स पावर हमारी होती है पी बराबर वी इन टू आई। तीनों जो पावर के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो ट्रू पावर होती है या फिर एक्टिव पावर में पी बराबर होता है वी आई कॉस फाई। इसी कॉस फाई का मान आपसे पूछा है, तो कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस फाई बराबर हो जाएगा ये वी आई इधर आएगा तो पी अपान वी आई हो जाएगा। पी का मान दिया है 40 अपान वी आई, वी का मान दिया 230 वोल्ट इंटू गुड़े करेंगे, आई का मान दिया है 0.5। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आएगा 0.348। ठीक है, तो आप निकाल लेना मतलब डिवाइड कर लेना, जो आंसर आपका आएगा वह कितना आएगा 0.348। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब दिया है ड्यूरिंग रिवर्स बायस ऑपरेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन ए फ्यूबल करंट फ्लो नोन एज क्या कहते हैं उसको डैश, विच इज इफेक्ट करती, क्या डिपेंडेंट होती है बैरियर वोल्टेज पर या नहीं डिपेंड होती है। तो देखिए बेसिकली रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन जैसे ये है रिवर्स बायस, एक पी मटेरियल और एन मटेरियल को हम कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से, पी को जब हम जोड़ देंगे निगेटिव से और एन को हम जोड़ देंगे पॉजिटिव से, तो यह कनेक्शन हो जाता है रिवर्स बायस कनेक्शन। और रिवर्स बायस कनेक्शन में जो करंट फ्लो होती है वह फ्लो होती है माइनॉरिटी कैरियर के कारण, जो कि अगर आप बात करोगे पीएन जंक्शन में माइनॉरिटी कैरियर, जैसे किसी में मान लो इलेक्ट्रॉन है किसी में होल्स होते हैं। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस में आप कर दिए तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल में पी मतलब पॉजिटिव यानी होल्स जो होंगे वह मेजॉरिटी कैरियर होंगे, और एन टाइप मटेरियल में जो होंगे निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर होंगे। और पी टाइप मटेरियल है तो पी टाइप मटेरियल में अगर माइनॉरिटी कैरियर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और एन टाइप मटेरियल में बात करें तो होल्स होंगे। अब जो माइनॉरिटी कैरियर है इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, सिर्फ इसी के कारण फ्लो होगी करंट, जो कि बहुत कम फ्लो होती है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स करंट। यानी रिवर्स बायस जंक्शन में जो करंट फ्लो होगी उस करंट का हम क्या नाम देंगे, रिवर्स करंट। और यह बैरियर वोल्टेज से जो होती है वह इंडिपेंडेंट होती है। देखिए बैरियर वोल्टेज क्या है, बैरियर वोल्टेज वह वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर जो पी टाइप से मटेरियल निकल के मतलब पी टाइप के जो कैरियर हैं वह पास होकर दूसरे वाले एन जंक्शन में चले जाएंगे, मतलब एन टाइप मटेरियल में चले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। उस वोल्टेज के बाद आपका करंट का फ्लो जो होगा वह होने लगता है। तो यह जो रिवर्स बायस जंक्शन होता है यह क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है बैरियर वोल्टेज से, जबकि फॉरवर्ड बायस जंक्शन जो होगा वह डिपेंडेंट होता है आपका बैरियर वोल्टेज पर। तो आई थिंक यह क्वेश्चन भी आपको क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट, यह पिक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको पता है यह डायोड है, डायोड का यह एनोड सिरा है,
और यह कैथोड सिरा है, यानी ये एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को निगेटिव से दिखाया गया है और इससे कुछ किरणें बाहर निकल रही हैं। तो यह किस डायोड में होता है ऐसा आपको याद करना है। तो यह जो डायोड होता है इसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो होगा उसमें ऐसा होता है, तो बेसिकली जब लाइट बाहर निकलती तो उस टाइम पे जो चार्ज कैरियर होते हैं वह क्या करते हैं, मूव करते हैं और उसके कारण करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। और लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है वह किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में आपका जो होता है वह नहीं काम करता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। एक डायोड होता है जीनर डायोड, जीनर डायोड जो होता है वह सिर्फ रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में, ठीक है। तो ऐसे करके आप डायोड भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेन मेन है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। तो इस डायोड का जो नाम है वह क्या है, एलईडी या फिर लाइट एमिटिंग डायोड, और यह सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है और इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एमंग द फॉलोइंग, यानी इन सब में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। तो इसमें आपको पहले ही टिक लगा हुआ है कि यही वाला है, तो मतलब ये आंसर सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस हिसाब से आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के लिए यह सही है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आपका होता है जिसमें टर्न्स रेशियो जो होता है वन संबंधे वन के रेशियो में होता है, यानी कि प्राइमरी कॉइल में जितने टर्न्स होंगे उतने ही टर्न्स किस में होंगे, सेकेंडरी कॉइल में भी होंगे, तो उसको हम बोल देते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन और आता है कि प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो वह होता है इनफाइनाइट। ये चीज़ें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी कॉइल के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वह कितना होता है, तो वह इनफाइनाइट होता है, ये चीज़ याद रख लेना आप। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर उसको बोलेंगे जिसका टर्न्स रेशियो क्या होगा, वन संबंधे वन के रेशियो में होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ये, क्योंकि एक यही है जिसकी वाइंडिंग दोनों साइड की क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। और उसके बाद अगर सेकेंडरी में वाइंडिंग ज़्यादा है और प्राइमरी में वाइंडिंग कम है तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर प्राइमरी में वाइंडिंग ज़्यादा है और सेकेंडरी में वाइंडिंग क्या है, कम है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर दोनों साइड की वाइंडिंग सेम है तो वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो जाता है आपका, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और इसमें जो मतलब कि सब मतलब प्रोसेस पूरा होता है वह मैग्नेटिकली होता है, जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो सारा प्रोसेस होता है वह सिर्फ मैग्नेटिक के कारण होता है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ अटैचमेंट नहीं होता, यानी प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी कॉइल के बीच में किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होता है, यह केवल मैग्नेटली कपल्ड होते हैं। लेकिन जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर, ये जो आपका दिया हुआ है ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो आपका मतलब कि प्रोसेस होता है वह मैग्नेटिकली तथा कंडक्टिवली, यानी कि दोनों तरह से होता है, मैग्नेट्स के कारण मतलब कि मैग्नेटली कपल्ड भी होते हैं प्लस कंडक्टिवली कपल्ड भी होते हैं एक ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ और नोट कर लेना आप कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होता है सिर्फ मैग्नेटली कपल्ड होता है, जबकि वन वाइंडिंग या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वह मैग्नेटली कपल तथा इलेक्ट्रिकली कपल हो, दोनों होता है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई वी इज इक्वल टू 200 साइन 314 टी इट आरएमएस वैल्यू विल बी। तो आरएमएस वैल्यू आपको पूछा है वी का, वी आरएमएस, तो आपको पहले इसमें पता होना चाहिए कि इसको कंपेयर कर दो आप V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से। तो आप वी एम का मान पहले देख लो, वी एम का मान जो आप यहाँ से निकाले हो वह मिलेगा आपको 200 वोल्ट, यानी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वह कितना है, 200 वोल्ट है। तो आपको पता है कि वी एम बराबर होता है अंडर रूट टू वी आर एम एस, तो वी आर एम एस वैल्यू आपसे पूछा है, तो वी आर एम एस हो जाएगा आपका Vm अंडर रूट टू, तो 200 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू, तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 141.4। तो हमारा यही क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये भी पता हो गया।
अब देखो एवरेज वैल्यू अगर होता तो वी एवरेज अगर आपसे पूछता वी एवरेज, तो वी एवरेज जो आपका होता है वो होता है 0.636 वीएम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद, और ये जो फॉर्मूले सब हैं ये सिर्फ वैलिड होते हैं साइनोसाइडल वेव के लिए, साइनोसाइडल वेव के लिए, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ फॉल्ट ऑल द थ्री पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो सिक्वेंस करंट आर इक्वल, यानी इसमें से कौन सा ऐसा फॉल्ट है जिस फॉल्ट में आपकी पॉजिटिव सिक्वेंस करंट एंड निगेटिव सिक्वेंस करंट एंड जीरो सिक्वेंस करंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या लाइन टू लाइन फॉल्ट है, या फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, या थ्री फेज फॉल्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसमें जो तीनों मतलब फेजेस की करंट, यानी कि पॉजिटिव सिक्वेंस करंट एंड निगेटिव सिक्वेंस करंट एंड जीरो सिक्वेंस करंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। यानी आई पी आई एन बराबर आई, ये तीनों करंट आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द एक्टिव पावर 10 वाट कंज्यूम्ड बाय द प्योर रेजिस्टिव लोड आर इक्वल टू 5 ओम, व्हाट इज द अपेरेंट पावर। अब आपसे अपेरेंट पावर पूछ रहा है कि एक एक्टिव पावर आपकी 10 वाट है कंज्यूम्ड बाय द प्योर रेजिस्टिव लोड आर इक्वल टू 5 ओम, व्हाट इज द अपेरेंट पावर। अब देखो क्या है ना कि आपको समझना है, यहाँ पे एक चीज़ केयर करना है कि यहाँ पे दे दिया है प्योर रेजिस्टिव लोड, यानी प्योर रेजिस्टिव लोड है तो आपकी एक्टिव पावर कितनी हो गई 10 वाट, और रिएक्टिव पावर आपकी कितनी होगी, क्योंकि जो अपेरेंट पावर होती है यानी कॉम्प्लेक्स पावर वह होती है एक्टिव पावर का स्क्वायर एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर, ये होती है दोनों का स्क्वायर होती है। लेकिन आपका रिएक्टिव पावर होगी कितनी एक्चुअल में, ये जो कॉम्प्लेक्स पावर का स्क्वायर बराबर एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, ये चीज़ होती है। तो आपको यहाँ पे रिएक्टिव पावर पहले पता चलनी चाहिए। तो रिएक्टिव पावर पता करने के लिए आपको ना पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि सर्किट में कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि इंडक्टर है या फिर कैपेसिटर है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि प्योर रेजिस्टिव लोड है, यानी लोड जो है वो आपका प्योर रेजिस्टिव है। इसका मतलब यहाँ पे तो रिएक्टिव पावर जीरो होगी, रिएक्टिव पावर क्या होगी जीरो। अगर रिएक्टिव पावर जीरो हो गई तो जो कॉम्प्लेक्स पावर या फिर अपेरेंट पावर होगी वो एक्टिव पावर के बराबर होगी। ये चीज़ आपको पता होगी, एकदम जान जाओ सिंपल है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, और आप ध्यान दे चुके होंगे इतना आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो जो एक्टिव पावर होगी वही अपेरेंट पावर होगी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी जीरो। क्यों जीरो हो गई, क्योंकि प्योर लोड जो है वह प्योर रेजिस्टिव है, या फिर इसमें कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट का मतलब ना तो कोई इंडक्टर है और ना ही किसी कैपेसिटर की बात की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 वाट, क्लियर। नेक्स्ट, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड ऑन, यानी जो ट्रांसफार्मर में हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं वह किस साइट में करते हैं, शॉर्ट सर्किट जो किया जाता है वह किस साइट को किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर आपका है, ठीक, ये ट्रांसफार्मर है आपका, अब इधर आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, ये शॉर्ट है, आपने इस वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया, सेकेंडरी वाइंडिंग, चलो शॉर्ट कर दिया। लेकिन ऐसे तो आप बोलते नहीं हो सेकेंडरी वाइंडिंग की प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती हाई वोल्टेज, मतलब एक लो वोल्टेज एक हाई वोल्टेज साइड। तो क्या आप हाई वोल्टेज साइड को करते हो या फिर लो वोल्टेज साइड को करते हो, सोचने वाली बात है ना। क्योंकि आपको इतना पता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम कॉपर लॉस को फाइंड करते हैं, और ओपन सर्किट टेस्ट में हम आयरन लॉस को फाइंड करते हैं या कोर लॉस को फाइंड करते हैं, ये चीज़ आपको पता ही रटा रटाया है। लेकिन आपको ये पता है क्या कि ट्रांसफार्मर में किस साइड को शॉर्ट करते हैं, तो हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट करते हैं हमेशा लो वोल्टेज साइड को, याद रखना। क्यों लो वोल्टेज साइड अब आपका शॉर्ट हो गया, देखो एक चीज़ अब मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है आपको, बस एक चीज़ समझना है कि जहाँ पे आप शॉर्ट करते हो आपको बेसिक से चलना, एकदम बेसिक में थोड़ा सा घुसो कि जहाँ पे कोई चीज़ शॉर्ट हो गई, जैसे ये हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने के बाद यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाता है जीरो। यानी वोल्टेज पहले मान लो 10 वोल्ट था लेकिन हमने शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है जीरो। तो इसका मतलब हम उस साइड को शॉर्ट कर दिए हैं जिस साइड वोल्टेज क्या है लो है। यानी ट्रांसफार्मर में सेम केस अप्लाई करो, थोड़ा सा माइंड ये घुमा दो कि हाँ हमने जिधर शॉर्ट किया वह कैसा है लो वोल्टेज है, और जिधर ओपन करेंगे वहाँ पे वोल्टेज पूरा मिलता है, हमें पता है करंट वहाँ पे जीरो होती है, ये चीज़ हमें पता है। तो वहाँ पे वोल्टेज हमको मैक्सिमम मिलता है जहाँ पे ओपन सर्किट होता है। तो ओपन सर्किट हम हमेशा किस साइड को करेंगे, हाई वोल्टेज साइड को करेंगे, जबकि शॉर्ट सर्किट हम किस साइड को करेंगे, लो वोल्टेज साइड को करेंगे। तो ये चीज़
शॉर्ट सर्किट हमेशा लो वोल्टेज साइड पे करते हैं और ओपन सर्किट जो हमेशा करते हैं वह कैसे करते हैं, हाई वोल्टेज साइड करते हैं। तो आई थिंक ये अभी आपको क्या हो गया, अगर क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, इफ एन इंडक्शन मशीन इज रन एट एबव सिंक्रोनस स्पीड इट एक्ट एस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मशीन जो होगा वो आपका सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर काम करने लगा। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन में समझो कि अगर आपका जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मोटर की हम बात कर रहे हैं, वो सिंक्रोनस स्पीड से नीचे काम करती है। इंडक्शन मोटर की बात अगर हम करें तो इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड से नीचे काम करती है, तो उस टाइम जो स्लिप आपकी होती है वह वेरी करती है जीरो से एक के बीच में, जीरो से एक के बीच में वेरी करती है। लेकिन जब इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करने लगेगा जो इंडक्शन मशीन थी, तब उस टाइम पे स्लिप आपकी कितनी हो जाएगी, उस टाइम पे आपकी स्लिप जो होगी वह माइनस एक से वेरी करेगी जीरो के बीच में। यह भी क्वेश्चन आ चुका है, दिखा देख लेना आप, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखते ही होंगे। तो इंडक्शन मोटर जो होता हुआ बिलो द सिंक्रोनस स्पीड वर्क करता है, जबकि इंडक्शन जनरेटर जो होता हुआ एबव द सिंक्रोनस स्पीड वर्क करता है। और सिंक्रोनस मोटर, सॉरी इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें स्लिप जो वेरी करती है जीरो से एक के बीच में करती है, लेकिन इंडक्शन जनरेटर में जो स्लिप वेरी करती है माइनस वन से जीरो के बीच में वर्क करती है, ठीक है। तो इतने थे आपके क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू।